बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन कोरोना से जान बचाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन आईसीयू में बिताए खौफनाक लम्हों को नहीं भूल पाए। कहते हैं कि डॉक्टर्स मेरे मरने की खबर देने को तैयार थे। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने सनसनी खेज इंकशाफ किया है कि जब वो कोरोना वायरस की वजह से जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे, तब डॉक्टर्स ने उनकी वफात की खबर देने की तैयारी कर ली थी। बोरिस जॉनसन ने यह इंकशाफ एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए किया। उन्होंने जिंदगी और मौत की कश्मकश का अहवाल बताते हुए कहा कि आईसीयू में मुझे एहसास हो गया था कि कोरोना वायरस का कोई इलाज मौजूद नहीं है। यकीन नहीं आ रहा था कि चंद दिन में सेहत इतनी कैसे खराब हो गई। कोरोना से सेहत याब होने वाले बरतानवी वजीर आजम ने बताया, मुझे आईसीयू में कई लीटर ऑक्सीजन दी गई। मेरी हालत बिगड़ गई थी, लेकिन मुझे पता था कि हंगामी सूरत हाल में मुतबादिल मंसूबा तैयार है। डॉक्टरों को भी इल्म था कि मामला खराब होने पर क्या करना है। बोरिस जॉनसन ने कहा, मैं अपने आप से पूछता रहा मैं इस सूरत हाल से कैसे निकलूंगा। तेजी से सेहत की खराबी पर मायूसी हुई, समझ नहीं आ रहा था मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। तहम डॉक्टरों ने मेरी जान बचा ली, जान बचाने पर मेडिकल स्टाफ का शुक्रगुजार हूं।